ईरान से जा रहे हैं स्कूल। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, घर से ही काम करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है। डिंपल को भी थोड़ा सपोर्ट करना है, एंड प्लस ये लोग कुछ प्लान भी कर रहे हैं। अभी ईरान को स्कूल छोड़ता हूँ, 7:22 हो चुका है। सो आज दोस्तों मैं घर से काम कर रहा हूँ, क्योंकि आज दो दो चीज़ है घर में। एक तो करवा चौथ है, पूरे इंडिया में सब लोग बीवी पत्नियाँ अपने पति के लंबी उम्र के लिए आज ये उपवास रखते हैं, तो ये त्यौहार है। एंड शाम को इसका पूजा होता है, और चांद निकलने पे सब बीवी को पत्नी को अपने हाथों से पति खाना खिला के ये उपवास को तोड़ते हैं पानी पिला के। तो बहुत ही पावन अवसर है, बहुत अच्छा त्यौहार है, एंड जिसके लिए आज डिंपल ने उपवास रखा हुआ है। वैसे आज मैंने घर से काम लिया हुआ है, तो रोज़ की तरह हम बनाएंगे कॉफ़ी, क्योंकि वीरांश भी नहीं है, डिंपल भी कुछ नहीं लेंगी, तो मुझे अकेले के लिए आज बनाना है। दूध बहुत कम है, तो इतना काफ़ी है मेरे लिए। कम पड़ेगा तो थोड़ा सा पानी डाल दूँगा, कोई बात नहीं। हमने ग्लास अपना मग अपना ले लिया है, फेवरेट मग। कॉफ़ी यहाँ पे पड़ी हुई है, एंड इसमें डिंपल ने आज शाम के लिए छोले भिगो के रखे हुए हैं, तो छोले पूड़ी बनेगा और खीर भी शायद बने शाम को। तो दूध तो नया लाना पड़ेगा, ये भी बचा हुआ है कल का दूध। तो हम चला लेते हैं गैस, ये हो गया है गैस ऑन। जैसे ही दूध गर्म होता है हम अपनी कॉफ़ी बना लेंगे। दूध हो गया है गरम, अब हम गैस को बंद कर देंगे। एंड ये अभी आप दोस्तों ये जो देख रहे हो ना, ये जो टोप में दूध का लगा हुआ है, इसको मैं बराबर से खुरुच के निकाल देता हूँ मैं। एंड इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपके घर में भी ऐसा दूध उबाला जाता है उसके बाद ही लगा रहता है ना, इसको आप ऐसे ही डायरेक्ट धोने के लिए मत रखिए, ये मलाई आप खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं भूल गया कॉफ़ी डालने के लिए, तो कॉफ़ी डाल दूँ। कॉफ़ी भी लग रहा ख़त्म होने आया है, आधा बॉटल है मैंने डाला। इसमें से थोड़ी मलाई मैंने ऑलरेडी ले ली है, आपको दिख रहा होगा। कॉफ़ी में यही डर है कि कभी कॉफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग ना बन जाए, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो कॉफ़ी बहुत कड़वी हो जाती है, तो उसमें फिर दूध मिलाना एक्स्ट्रा पड़ेगा। अभी तो दूध तो है नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा, जो भी है इतना ही, देखते हैं कितना कॉफ़ी बनता है। मैं डाल रहा हूँ इसमें दूध, ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा है। ये जब ठंडे हो जाएंगे तब मैं इसको निकाल के खाऊंगा, बहुत मज़ा आता है खाने में। मेरी कॉफ़ी हो गई रेडी, आज खारी नहीं है घर में, खारी ख़त्म, तो सिर्फ कॉफ़ी पियेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ वीरांश के स्कूल में, क्योंकि इनका मंडे के दिन ओपन हाउस रखा था, तो मैंने कल ईमेल भेज के बोला था कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने कल शाम को फ़ोन करके बोला आज पॉसिबल है तो आ जाओ। तो आज मैंने वैसे भी घर से काम करने के लिए था, तो मैं आज ही चले जा रहा हूँ। देखते हैं वीरांश का रिज़ल्ट कैसा है या क्या बात करने वाले हैं। तो ओपन हाउस उनका एग्ज़ाम हो गया था एक हफ्ते बाद, अभी ओपन हाउस कर रहे हैं। ओपन हाउस का मतलब होता है कि आपके बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, वो आपको बताने वाले हैं। लिफ्ट आ गई है, मैं लिफ्ट में चढ़ चुका हूँ। ज़्यादा 10 मिनट लगेगा अगर ट्रैफिक नहीं रहा तो, मैं स्कूल पहुँच जाऊँगा। मैं हो गया हूँ रेडी, अब करवा चौथ का पूजा करना है। डिंपल का अभी तक रेडी नहीं हुआ है, उनका कुछ ना कुछ लगा है, 7 बजे से वो रेडी हो रही हैं। अभी हो रहा है 9:10 कम, इतना जल्दी रेडी कैसे हो पाते हो मुझे पता नहीं, बट ये अभी तक रेडी हो रहे हैं। इनका अभी भी पैर का कलरिंग बाकी है, देखो ये रंगना बोलते हैं, ये लगा रही हैं। हम लड़कों की तरह पैंट शर्ट या कुर्ता पैजामा तो नहीं पहनना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, और लेडीज तैयार होती है तो थोड़ा टाइम लगता है। ये तैयार होने में अगर ट्रेन छूट जाएगी तो कौन सा तैयार होके मतलब बनेगा? ट्रेन नहीं ना छूटने देंगे, इतना भी लेट नहीं करेंगे कि ट्रेन छूट जाए। ऑलमोस्ट हो गया है, बस ये फाइनल है। अब भले कुर्ता ही पहने और बाल झाड़ लिए हो गए हम रेडी, 10 मिनट भी नहीं लगा। इनको ठंडी लग रही है, अभी तो मौसम स्टार्ट भी नहीं पूरी तरह, ये जैकेट पहन ली है। वाह,
बोलते हैं टेरेस पे जब जाएंगे चांद देखने के लिए तो टेरेस पे इनको लग जाएगी ठंडी। तो पता नहीं किस तरीके का ठंडी लगने वाली है, अभी भी गर्मी लग रहा है, तो मौसम चेंज होने में टाइम है। पाट जिसके ऊपर हम पूजा करने वाले हैं, ये यहाँ पे पूजा का सामान है, सब हमने खरीद लिया है। बस अभी जब डिंपल रेडी हो जाएगी दोनों जन बैठ के यहाँ पे फटाफट सजा के फिर हम अपना पूजा कर लेंगे। देख रहे हो कैसे टेढ़े मेढ़े होके लगाना पड़ रहा है। ये ऐसा रेडी होते होते कितना टाइम लग गया है, 1.5 घंटा हो गया इनको रेडी होने के लिए। ना तो नहीं होगा, 7 बजे से रेडी हो रहे और अब बजे। मैं लेडीज हूँ, मेरे जिम्मे एक काम तो है। अरे लेडीज लेडीज बोल के कितना फायदा उठाए। अरे क्या फायदा उठाए, काम करके फिर ये जो तो बाल देख रहे, बिखरे बिखरे बाल, ये बाल बने हैं 1.5 घंटे में, इस तरीके का बाल ये देखो, ऐसा बाल बनता अच्छा है। बना है, नया फैशन है ये, पौने पूरे हवा से बिगड़ गए, हवा से पंखे के हवा से। पूजा का पूरा सामान रेडी हो गया है, सब में दिए बाती सब लग चुके हैं, अब पूजा करना है। बस अब मुहूर्त, आखिरी मुहूर्त चल रहा है तो हम पूजा स्टार्ट कर देते कम से कम मुहूर्त में। अब घर में का पूजा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं ऊपर देखने, अब हम जा रहे हैं ऊपर देखने के लिए चांद निकला है कि नहीं। तो हम लोग चांद का वेट कर रहे हैं एंड चांद कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये बिल्डिंग की ठीक है, बीच में रेड कलर दिख रहे हैं, बहुत थोड़ा सा दिख रहे हैं चांद, बट अभी जैसे 10-15 मिनट में ऊपर आ जाएंगे, इधर ऊपर आ जाएंगे तब हम आएँगे, 10-15 मिनट के बाद ही अब आएँगे। सब लोग वेट कर रहे हैं चांद का, बट चांद ऊपर आ ही नहीं रहे, तो धीरे 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 अभी चांद आ रहे ऊपर, बहुत काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ये जो रेड डॉट यहाँ, ये जो रेड डॉट दिख रहा है वही चांद है। वो बिल्डिंग वालों को चांद ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके सामने ये वाली बिल्डिंग है। चांद ऊपर आ गया है एकदम पूरी तरह से, अभी अच्छे से दिख रहा है। अब डिंपल यहाँ पर तैयारी कर रही हैं चांद की पूजा करने के लिए, टेस्टिंग चल रहे हैं चांद वहाँ पे, ये यहाँ पे, वहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, नीचे रख दो, इधर रख दो। अभी मम्मी पूजा कर रही हैं, भाई भी आए हमारे साथ पहली बार करवा चौथ एंजॉय करने के लिए, कैसा होता है वो देख रहे हैं। इनको इनके आँख पे लग रहा है फ्लैश इसके वजह से। अभी करवा चौथ का चांद वहाँ आ गए हैं चांद ऊपर, तो अभी वो चांद है यहाँ पे, अभी हो रहा है पूजा। इतना हवा में कहाँ से पूजा करें, चांद की पूजा हो रही है। ये हो रहा है पूजा, पूजा हो गया, खिला के उपवास में तोड़ रहा हूँ। अभी करवा चौथ का पूजा हो गया है, ऊपर चांद दिख रहा है आपको, पूजा हो गया है, इनको मैंने मिठाई खिलाया फिर पानी पिला दिया, फाइनली ये खाना खा सकते हैं। तो ये था करवा चौथ। प्यास तो बहुत जोरों से लगी है, मुझे लग रहा है मैं तो अभी पानी पी लेती हूँ। पानी तो पीना ही पड़ेगा क्योंकि पूरा दिन का नहीं पी, ये वायु और वीरांश खेल रहे हैं हमारे टकलू, इनको लो डैडी। पूजा हो गया है, अब हम जा रहे हैं नीचे, वायु भी देखो हमारे को ऐसे चिपक के रखे हैं, धीरे धीरे वीरांश उधर वो भी अपना मिठाई खा के पानी पी रहे हैं।
उनको भी बहुत कब से पसंद था मिठाई खाना है, जल्दी दो जल्दी दो। तो अभी पूजा हो गया तो अभी मिठाई खा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे। ये हमारा टेरेस था, अभी सीढ़ियों से हम 6 फ्लोर पर रहते हैं तो 1 फ्लोर और नीचे हमको उतरना पड़ेगा। वीरान फिर मिठाई के लिए लफड़ा करते हुए। मेरी बहन ने केक लेके आए आज। जूजू लिखा है, जूजू जूजू मैंने जूजू पढ़ लिया बट था जीजू। अभी फिलहाल वीरान से मेरा भाई है, मेरी बहन है और मैं हूँ। तो हम लोग अभी केक कटिंग करने जा रहे हैं। केक कट केक कटो क्या कैंडल जलाओ। ये कैंडल अच्छा कैंडल जलाओ नहीं केक काट दो जाने दो। नहीं फूकते नहीं है कैंडल लगाना ही नहीं। अरे दादी क्या कर ले, दादी बर्थडे मना ले। हाँ बाबू। हाँ बाबू, बाबू भी आ गया। दे दो दादा के पास। आजा आजा मेरे दोनों अनमोल रतन आ जा। दो कैंडल लगा, एक का बाबू एक ना बाबू। ये मैं छोटे वाले बच्चे को का बाबू बोलता हूँ, ये जिसको खिलाता था ना बाबू था। दोनों क्या है भी मैं पूछता था तो ना बाबू, अब इसको पूछता हूँ का बाबू। का बाबू ये है ना बाबू। बैठ जा एक मेरे पैर पे, तुम बैठ जा। दोनों अनमोल रतन है ना। अरे भाई राइट गोदी टूट जाएगी। देखो वायु देख रहा भैया बैठा है। देखो देखो वायु हाथ लगाओ मेरे को, ऐसे टच कर लो। बेचारे हंसी जा रहे। बिट्टू किट्टू के डैडी हैप्पी बर्थडे टू यू। किट्टू के डैडी बिट्टू के डैडी। कैंडल तू बुझा नहीं, केक कट गया। नहीं नहीं बुझा। ए बेटा उसका मुंह देखो छोटे वाला। ओ वायु भी केक खा रहे क्या भाई? कल केक आया था ना, वायु ऐसे ऐसे चाट रहा था अपने उंगली करके। एक ये देखो इनको खिलाने की जरूरत नहीं है, एक गुदी लेके खा रहे हैं। हाँ बिस्किट मिल गया ना। आ जाओ कंचन जाओ। हाँ बैठो, आओ बाजू में ही बैठ के खाओ। विराज उठ जाओ, मेरा गोदी टूट जाएगा। केक आज बढ़िया है। अभी तो मैं खाया नहीं कोई खिलाया नहीं। मेरे प्यारी साली एक ही साली है, ये है साला साला। तो लास्ट में एक वीरांश उधर देखो, ये मेरी इकलौती बीवी। अच्छा बताओ तो क्या सबको दो दो बीवी रहती है? रहती है ना दो दो। अब इसी के साथ आज का दिन खत्म होता है। आज तक करवा चौथ और प्लस इनका बर्थडे दोनों मनाया गया है। और मेरा मेरी तरफ से अभी गिफ्ट बाकी है, मैंने अभी तक तो कुछ दिया नहीं है। कोई गिफ्ट नहीं दिया है मुझे अभी तक पीछे भी जाके झांकने वो भी नहीं, ये भी नहीं, कोई भी नहीं। नहीं नहीं दूंगी ऐसा नहीं है दूंगी। तो आज हम आज यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और हमारे चैनल हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।